जी भैया क्या पूछने आया था? बिटिया को जन्म से दिक्कत है, क्या हो गया? ऑपरेशन से पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी थी। क्या नाम है उसका? मिस्टी बुलाते हैं अभी तो कोई नाम मिस्टी मिस्टी ओ तो किस डॉक्टर के साथ चल रहा है अभी? अभी गोरखपुर में ही दिखा रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। कौन से डॉक्टर के पास? डॉक्टर यादव जी हैं, वो उन्होंने कटिंग में किसकी वजह हमने लिखा है मिस्टी का जन्म से ही वीक है। सीपी नामक रोग है। 16 अगस्त 2019 में जन्मी। कब जन्मी है? हॉस्पिटल में फातिमा हॉस्पिटल में गौरव गोरखपुर में जन्मी। गले में नाल फंसने के कारण यह बच्ची मानसिक वीक हुई और ब्रेन में ऑक्सीजन कम प्राप्त होने के कारण इसको झटका और जन्म से 4 महीने 3 दिन पीछे चल रही है माइंड के ग्रोथ में। कितना? 4 महीना 3 दिन। डॉक्टर ने तो कहा होगा 8.5 महीने और ये बताया होगा लक्षण कि ये नाल फंसने से, जो नाल होता है ना नड़ा, जो बच्चे के आप सब लोगों के नड़ा आपके घर में करते थे पहले, अब तो अस्पताल में फेंक दिया जाते हैं, कई लोग रख लेते हैं। इससे बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक की आगे विज्ञान में बताएंगे आप कभी। तो डॉक्टर ने क्या क्या बताई थी, कैसे क्या बताया था, क्या क्यों हुआ इसको? जन्म से ऑपरेशन के टाइम पे हुआ था। डॉक्टर ने कमी क्या बताई, किस कारण से हुआ इसको? क्या गले में नाल फंसी थी, इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुँचा था ब्रेन। क्या पता था? गले में नाल फंसी थी। हम क्या बोल रहे हैं? स्किन पर देखो बाप, तो ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण इसकी जो ब्रेन की जो पल्सें होती वो कमजोर रही, तो ब्रेन ग्रोथ नहीं बढ़ा, उससे जो झटका और शरीर की ग्रोथ के लिए चलना फिरना बोलना उस पर दबाव। लेकिन ये बच्ची आम बच्चों की तरह हो जाएगी। टाइम लगेगा, धीरज रखो, हमारे घर छोड़ जाना, मैं इस बच्ची को रखूँगा, पालूंगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, जो कुछ करूँगा यदि ये लाभ न मिले तो।